के बहाने से क्या दुकान खोला हुआ है कि एक ही परीक्षा का एक बार नहीं बार बार कमाई कर रहा है जी। पिछला बार अरबों अरब रुपया कमाई किया, परीक्षा नहीं हुआ लेकिन जिसके साथ पैसा वसूली किया उसको तो लौटाया नहीं, बार बार बढ़ता जा रहा है। और देखे कि पेपर लीक को छुपाने के लिए बड़ा चालाकी के साथ इंटरनेट तक को भी बंद कर दिया गया। और हम उसी दिन कहे थे कि इंटरनेट को बंद इसलिए नहीं किया है कि यहाँ धांधली को रोका जाए, बल्कि इसलिए किया है इंटरनेट को बंद कि धांधली को छुपाया जाए। पूरी तरह रेडी है हम लोग, लाठी डंटा FIR गोली बारूद वाटर कैनन फायर ब्रिगेड सबसे कोई डर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो दर्द लाठी डंटा FIR वाटर कैनन से है उससे बड़ा दर्द कि यहाँ की नौकरी को बेचा। अभी तक कुछ वार्ता हो पाई है? तो वार्ता करने का कुछ बातें नहीं है, पेपर लीक हुआ है, हम लोग परीक्षा रद्द की मांग कर रहे हैं और रद्द कर दे कहानी बात खत्म है, तो वार्ता का क्या यहाँ बात है। आज देखिए JSSC कार्यालय का घेराव कर रहे हैं हम लोग, और घेराव करने के लिए पूरे प्रदेश से लाखों लाख की संख्या में छात्र पहुँचे हैं, हजारीबाग से पैदल मार्च करके आए छात्र, पूरा बोकारो देवघर दुमका गोड्डा संथाल परगना पलामू प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर दक्षिणी छोटानागपुर कोल्हान हर जगह से आए। और इस बात का इस बार सबूत है, पर्याप्त एविडेंस है कि पेपर लीक हुआ है। 72 क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन के साथ रिपीट हुआ है, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ये आयोग जो है कि नौकरी देने वाली संस्था अब नहीं रहा, ये आयोग अब नौकरी बेचने वाला संस्था बन चुका है। और यही कार्यालय यही परीक्षा यही मैदान में जब हम लोग पिछला बार आंदोलन कर रहे थे उस बार भी पेपर लीक हुआ था, तब आप लोग देखे होंगे कि तारीख 31 दिसंबर 2023 का दिन को कोई भूल नहीं सकता है। आंदोलन के दौरान रिजल्ट आया था, परिणाम आया था, फैसला आया था, आयोग के वेबसाइट से आधिकारिक सूचना जारी हुआ था, एग्जाम रद्द हुआ था। इस बार बड़ा चालाकी के साथ ऊंचा दाम से पेपर को बेचा गया है, पिछला बार 25-30 लाख में पेपर लीक हुआ था इसका हम लोग के पास सबूत था, इस बार 40-50 लाख में ऊंचा दाम में बेचा गया है। तो आज हम लोग मांग करते हैं कि क्या यह आयोग परीक्षा आयोजन करने के बहाने से क्या दुकान खोला हुआ है कि एक ही परीक्षा का एक बार नहीं बार बार कमाई कर रहा है जी। पिछला बार अरबों अरब रुपया कमाई किया, परीक्षा नहीं हुआ लेकिन जिसके साथ पैसा वसूली किया उसको तो लौटाया नहीं, और फिर से वही परीक्षा के नाम पर फिर से अब 40-50 लाख रुपया में बेचा है, मतलब कि एक एग्जाम पर दो दो बार अरब रुपया कमा रहा है, कितना बड़का दुकान है यह JSSC, इस राज्य का दुर्भाग्य है यह। इसलिए हम आज स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं जो JSSC के चेयरमैन प्रशांत जी हैं, सचिव सुधीर जी हैं, उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि पूर्व चेयरमैन पूर्व DGP नीरज सिन्हा को पेपर लीक के वजह से कार्यालय छोड़ के भागना पड़ा था, कई पेपर लीक करने वाले अधिकारी पदाधिकारियों को अभी भी हटवार जेल के अंदर अभी भी बिताना पड़ रहा है, और यहीं से जो है कि फैसला आया था, तो तत्काल परीक्षा को रद्द करें, अन्यथा वर्तमान चेयरमैन सचिव को उसी तरीके से कार्यालय छोड़ के भागना पड़ेगा जैसे पूर्व चेयरमैन को भागना पड़ा था, क्योंकि यहाँ छात्रों के साथ मजाक हो रहा है और बार 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 एक ही गलती को ये लोग बार बार दोहरा रहा है, ये गलती नहीं है तो साजिश है, षड्यंत्र है या गुनाह है, तो इसको इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे छात्र। शाम होते होते अगर रद्द का सूचना नहीं आएगा तो यहीं पे टेंट गाड़ेंगे, यहीं पे पूरा अनिश्चितकालीन के लिए धरना होगा और तब तक यह जारी रहेगा जब तक परीक्षा पूर्णतः रद्द नहीं होता है। क्या लगता है कि परीक्षा रद्द होने के बाद मैच अभी 15-20 दिनों में जो आचार संहिता भी लगनी है और अगर रद्द कर भी देता है तो क्या इस सरकार के कार्यकाल में आप लोग का JSSC क्लियर हो पाएगा? देखिए वो बात की बात है, हम तो चाहते हैं क्लियर हो, लेकिन एक बात को समझना होगा कि ये जो दलील दिया जा रहा है कि दोबारा परीक्षा नहीं लिया जा सकता है, बार बार कैंसिल करना अच्छा बात नहीं है, तो क्या यह अच्छा बात है कि परीक्षा के नाम पर सारे नौकरी को बेच दिया जाए? क्या यह अच्छा बात है कि 40-50 लाख रुपया में जो है कि जो छात्र पढ़ाई लिखाई करते हैं दिन रात लाइब्रेरी में 8x8 का कमरा में जो है कि बड़ा मुश्किल से माड़ भात खा करके लालू चोखा खा खा करके लंबे समय से किताब कॉपी के साथ बिताते हैं, जो सपना देखे हैं कि हमारा एक अच्छा
भविष्य होगा, क्या उनका सपना को चकनाचूर करके उसका नौकरी को बेच दिया जाए, पेपर लीक कर दिया जाए, क्या यह अच्छा है? अगर सरकार की नीयत साफ है तो निश्चित ही 15 दिन तो क्या ये लोग कुर्सी छोड़ दे, हम लोग को सरकार का कुर्सी बैठा दे, हम लोग 1 सप्ताह में परीक्षा भी आयोजन कराएंगे, कहीं पेपर लीक नहीं होगा, कहीं धांधली नहीं होगा, और रिजल्ट भी देंगे और छात्र का चेहरा में मुस्कान भी आएगा। अच्छा, ये धांधली करने वाले लोग कहाँ के हैं, झारखंड के हैं या झारखंड के बाहर के? कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है ये तो जांच की विषय है, लेकिन इससे पहले अगर हम जांच पे जो पाया गया है दोषीदार तो वो बाहर के हैं, तो निश्चित ही झारखंड के बाहर के लोग संलिप्त हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है, यहाँ पर हम लोग एजेंसी बाहर के हैं, यहाँ पेपर लीक करने वाले गिरोह बाहर के हैं, अलग अलग राज्य से संबंध रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दोषीदार अगर कोई है तो यहाँ की सरकार है, इसलिए कि एजेंसी को कंट्रोल आयोग करती है, आयोग को कंट्रोल यहाँ की सरकार करती है, लेकिन सरकार अपना कार्य को सही ढंग से नहीं कर रही है, जिसके वजह से ये आयोग मनमानी कर रही है, ये आयोग पैसा वसूल पे लगा हुआ है, संलिप्त है, इसलिए ऐसे एजेंसी को हायर कर रही है जो उसके साथ पैसा का उगाही करे। साथ साथ में आपको हम बता दें कि पिछला एजेंसी जो परीक्षा का आयोजन किया गया था और उसमें पेपर लीक का बात को आयोग ने भी स्वीकार किया था, सरकार ने भी स्वीकार किया था, रद्द भी हुआ था, पेपर लीक करने वाले जेल भी गए थे, लेकिन जो लोग का पिछला बार का जो एजेंसी था वही लोग इस बार नए नाम से एजेंसी बना करके इस परीक्षा को ले रहे हैं। तो एजेंसी बदलने से लोग नहीं बदले, जो लोग पिछला बार सतपथ एजेंसी में थे वही लोग इस बार नए एजेंसी में हैं, तो लोग तो वही गलत धंधा करने वाले हैं, इसीलिए यह धांधली जो है कि रुका नहीं और यह धांधली बार बार बढ़ता जा रहा है। और देखें कि पेपर लीक को छुपाने के लिए बड़ा चालाकी के साथ इंटरनेट तक को भी बंद कर दिया गया, और हम उसी दिन कहे थे कि इंटरनेट को बंद इसलिए नहीं किया है कि यहाँ धांधली को रोका जाए, बल्कि इसलिए किया है इंटरनेट को बंद कि धांधली को छुपाया जाए। जिस वक्त परीक्षा हॉल में स्टूडेंट घुस रहे हैं उस वक्त इंटरनेट को बंद किया जा रहा है, किसको बेवकूफ बनाता है? आज अगर परीक्षा है तो 1 दिन पहले पेपर लीक किया जाता है, 1 दिन पहले पैसा लेने वालों को क्वेश्चन दिया जाता है, 1 दिन पहले वो रट्टा मार के आता है और 1 दिन पहले नेट चलता है, और जिस दिन क्वेश्चन मिलने के बाद रटने के बाद जब एग्जाम देने के लिए हॉल के अंदर जाता है उस दिन ये लोग इंटरनेट को बंद करता है। तो ये लोग बड़ा चालाकी के साथ, ये लोग साजिश के साथ, ये लोग अपना गलती को छुपाने का प्रयास कर रहा है। राज्य में ये सब नहीं चलेगा, यह राज्य बहुत त्याग बलिदान कुर्बानी से इसलिए बना है कि यहाँ के पढ़ने लिखने वाले छात्र जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उसका चयनित हो, उसका सिलेक्शन हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इस आंदोलन को आगे निर्णायक तक लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगा तो 2400 जिला में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो इस पर झारखंड बंदी करेंगे, मैंने आगे बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। सत्ताधारी नेता लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का चाल है और लोग जो है इन लोग को उकसा कर जो इस तरह से आंदोलन करवा रहे हैं, तो इसको क्या लगता है कि स्टूडेंट इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, और आप एक स्टूडेंट लीडर हैं तो आप क्या कहिएगा, क्या उनका आरोप सही है? जी बिल्कुल, आरोप गलत है। वो अपना चोरी को छुपाने के लिए, अपना गलती का जो जवाब नहीं है, पेपर लीक का सबूत का उसके पास जवाब नहीं है, तो वो अपना पल्ला बीजेपी पर झाड़ रहा है। ना हमें बीजेपी से लेना देना है, विपक्ष से ना हमें सत्ता पक्ष हम लोग को जेएमएम कांग्रेस से लेना देना है। हम लोग छात्र जो पीड़ित हैं, जो लंबे समय से तैयारी करते हैं, 10 सालों से एक ही परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और उसका भविष्य को, उसका मेहनत को पानी में फेरा जा रहा है, और पीड़ित छात्रों से हम लोग का मतलब है, इसलिए ये बेतुका बात न किया जाए। अगर सरकार पक्ष को बोलना ही है तो सरकार पक्ष बताए कि 72 क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ। अगर सत्ता पक्ष को मुंह खोलना ही है तो बताए परीक्षा से पहले जो फोटो खींचा गया है, जो सीरियली हूबहू जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर मिला है, तो उसमें वो डेट वो टाइम परीक्षा से पहले क्यों है, इसका फॉरेंसिक जाँच किया जाए, इसका सार्वजनिक रिपोर्ट लाया जाए, इस पर बात करे सरकार। देवेंद्र जी, एक लास्ट सवाल रहेगा, इतना देर आप लोग का आंदोलन जो हुआ अभी लगभग 3 बजे के पार जो हो गया, इससे इस टाइम पे जो है कोई भी यहाँ जैसे के आला अधिकारी चाहे कोई किसी भी अधिकारी से आप लोगों का बातें हुई है क्या, नहीं हुई है क्या, कुछ देखिए बात ही नहीं करना है जी। हम लोग सीधा सीधा सबूत सौंपा हुआ है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आयोग का वेबसाइट को हम लोग खोल के रखे हुए हैं, नोटिस का इंतजार में है।
नोटिस से हम लोग को मतलब, हम लोग को वार्ता से मतलब नहीं, देखना ही था तो घर में भी रहकर देख। अरे घर से क्यों देखेंगे, यहाँ आंदोलन कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं, रद्द का तो घर से थोड़ी होता है। हम लोग प्रोटेस्ट में फैसला चाहिए, प्रोटेस्ट से हम लोग को निर्णय चाहिए, यही हम लोग का परिणाम चाहिए। और परिणाम वार्ता नहीं है, हम लोग का प्रोटेस्ट कोई वार्ता करना नहीं है। हम लोग का प्रोटेस्ट का मतलब है कि परिणाम आए, रिजल्ट आए, परीक्षा रद्द हो। और जब तक रद्द नहीं होगा, अभी तो 3 बजा है, सुबह 3 भी बजेगा तो हम लोग सब यहीं रहेंगे। महेंद्र जी, लगता है आप लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं, क्या है मजाक बना के रखी है झारखंड गवर्नमेंट? कभी परीक्षा कराने के लिए आप लोग जो है सो धरना देते हैं, कभी परीक्षा रद्द कराने के लिए धरना देते हैं, क्या लगता है? ये झारखंड के छात्रों के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। अच्छा मजाक हम लोग कर रहे हैं कि सरकार कर रहा है कि एक के परीक्षा को बार बार पेपर लीक कर रहा है? पिछला बार 30-35 लाख में बेचा था, इस बार चेयरमैन बदल करके ऊंचा दाम 40-50 लाख में बेच रहा है। तो मजाक वो कर रहा है कि हम लोग कर रहे हैं? क्या हम लोग छात्र का, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र है उसका भविष्य को बर्बाद होने दें? क्या जो नौकरी को बेचा जा रहा है उसको हम लोग बचाए नहीं? अब क्या चाहते हैं, राज्य इसी तरह बर्बाद होते रहे? ये JSSC कार्यालय नौकरी देने वाला नहीं बल्कि नौकरी बेचने वाला दुकान बन जाए। अब बोल दीजिए, सरकार बोल दे कि JSSC कार्यालय नियुक्ति संस्था नहीं है, यह दुकान है, यहाँ पे नौकरी बेचा जाता है, तो बता दे, वो पुष्टि कर दे, हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे। क्यों बेचते रहे नौकरी जिसको बेचना है? लेकिन यह कर्मचारी चयन आयोग है ये, और यह कर्मचारियों का चयन होता है, इसके लिए इस आयोग का गठन किया गया है। तो चाहे सरकार रहे या आयोग के कोई भी चेयरमैन सचिव मेंबर रहे, हम लोग एक बार क्या छात्रों के भविष्य के लिए, छात्रों का दुख तकलीफ दर्द के लिए हम लोग कितनों बार आना पड़ेगा, हम लोग आते रहेंगे। आज फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता है, अग्निशामक गाड़ी है, प्रशासन पूरी तरह से एकदम तंदुरुस्त है, फायर ब्रिगेड से, क्या लगता है मतलब इस सब का सामना करने के लिए आप लोग रेडी है? पूरी तरह रेडी है हम लोग, लाठी डंडा FIR गोली बारूद वाटर कैनन फायर ब्रिगेड सबसे कोई डर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो दर्द लाठी डंडा FIR वाटर कैनन से है, उससे बड़ा दर्द कि यहाँ की नौकरी को बेचा जा रहा है, उससे बड़ा दर्द यहाँ सेटिंग गटिंग हो रहा है, उससे बड़ा दर्द कि यहाँ छात्र सालों साल से पढ़ाई कर रहे हैं उसका नौकरी नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ 40-50 लाख रुपया दे करके 1 घंटा पहले पढ़ ले रहे हैं उसका नौकरी हो रहा है, ये उससे बड़ा दर्द है। इसलिए हम लोग को इस सबसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा देवेंद्र जी, आप सहायक पुलिस कर्मी के आंदोलन के दरमियान गए थे, बड़ी लाठी डंडा खाए थे, फिर खाने आ गए, मतलब हमेशा लाठी डंडा ही खाते रहिएगा? देखिए हमको कोई शौक नहीं है लाठी डंडा खाने का, लेकिन हमको इतना जरूर शौक है, इतना जरूर मेरा चाहत है, इच्छा है कि यहाँ छात्रों के साथ न्याय हो। छात्र जो जेन्युइनली पढ़ाई करते हैं, जो मेधावी छात्र है उसका चयन हो, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो छात्रों का दर्द है, इससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं है। और इसको लेकर के लाठी डंडा तो क्या फिर से जेल जाना पड़े, फिर से कुछ भी करना पड़े या इस माटी में मिलना पड़े, हम तैयार हैं, लेकिन छात्र के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज देवेंद्र जी कमजोर कहाँ है जी, अभी ताकत निकलेगा, देखिए ना।